हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ नवंबर फुल मंथ टॉप 100 करंट अफेयर। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप पहली बार विजिट करें हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं, साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुँच जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं फिर। देखो, सारी चीज़ों को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाएंगे इन द फॉर्म ऑफ योर टेस्ट। सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, देन आपको उसका आंसर गेस करना है, साथ साथ मैं आंसर्स आपको बताते भी चलूंगा। तो पूरा प्रोसेस रहेगा, इंटरेस्टिंग होगा। सबसे पहले आपको खुद को टेस्ट करने का मौका मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए, इंडिया ने पहला डे नाइट टेस्ट खेला था ईडन गार्डन कोलकाता में। इंडिया जीत भी गया था, एक इनिंग एंड कुछ रन से जीत लिया था। अब आपको ये बताने कि कौन सी कंट्री के साथ खेला था विद पिंक बॉल। आई होप आपने सभी ने इसका आंसर गेस कर लिया। एग्जैक्टली, इसका जो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। ओके, नेक्स्ट करेंगे। Which Indian state became the first to enact law on contract farming? Contract farming में एक law बनाने वाला कौन सा Indian state बना, first Indian state बना? You have to answer कि कौन सा state है जी। I hope आपने guess कर लिया होगा। About the state basic details top of the slide आपको मिल जाएंगी। Exactly, इसका जो correct answer है जी option number C, Tamil Nadu। Okay, next करेंगे। Concept of contract farming, video को pause करके आप पढ़ सकते हो उसको। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिलीज स्पेशल कॉइन टू कमोमरेट 550th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बाबा गुरु नानक जी। कौन सी कंट्री ने एक स्पेशल कॉइन रिलीज किया गया था? यू हैव टू आंसर दिस पिक्चर। ये सामने इस तरीके का कॉइन रिलीज किया गया था। आई होप यू कैन गेस दिस। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। ओके, पड़ोसी देश या पाकिस्तान के बारे में, कैपिटल इस्लामाबाद, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, प्रेजिडेंट आरिफ अलवी। ओके, करेंसी पाकिस्तानी रूपी, ये आपको याद रखना है। देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू IAEA हेड, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के न्यू हेड अभी बने जी, ये आपको बताना है। आई होप यू कैन गेस दिस। इससे पहले युकी अमानो थे फ्रॉम जापान, उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, अब जो न्यू इलेक्ट हुए इनकी पिक्चर आपके सामने है, ही इज़ फ्रॉम अर्जेंटीना। करेक्ट आंसर इज रफाल ग्रोसी। ओके, देखो एक चीज़ यहाँ शेयर करूंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द वीडियो टॉप कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं फिर से आपके साथ आपका फिर से इन द फॉर्म ऑफ योर टेस्ट लेने वाला हूँ। लाइक विदाउट ऑप्शंस रहेगा वो जो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। सो इसलिए वीडियो का एंड पोर्शन आपने मिस नहीं करना, आपको फिर से एक बार पता चल जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस मैं आपसे लास्ट में फिर से पूछूंगा विदाउट ऑप्शंस रहेंगे, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पोर्शन होने वाला है, तो वो भी जरूर देखिएगा। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर रफाल ग्रोसी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो किसे अपॉइंट किया गया डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? सिक्योरिटी एडवाइजर तो आप सबको पता है जी, हमारे अजीत डोवाल। अब डिप्टी कौन बने जी, ये आपको बताना है। इनका नाम है जी दत्ता पद साल घीकर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द जॉइंट मिलिट्री एक्साइज शक्ति इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो ये बताना है कि शक्ति एक जो मिलिट्री एक्साइज है ये इंडिया एंड कौन सी कंट्रीज के बिटवीन कंडक्ट की जाती है, कौन सी कंट्री के बिटवीन होती है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। ओके, नेक्स्ट करते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुआ? सबसे पहले तो राजकुमार शर्मा, उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, राजकुमार सिंह। ठीक है, राजकुमार सिंह हमारे मिनिस्टर ऑफ पावर है, तो वो पता होना चाहिए। देन उसके बाद सेक्रेटरी जो अपॉइंट हुए, देन सबसे पहले तो आप मिनिस्टर पता होगा ना, वो भी पता होना चाहिए, सेक्रेटरी हैं जी संजीव नंदन। ओके, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। देखो ये स्पेशल PDF आपके साथ यहाँ शेयर करूँगा, काफ़ी स्टूडेंट्स का डिमांड भी रहता था कि सर इस तरह का PDF लाओ। इस PDF में मैं आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर प्रोवाइड कर रहा हूँ, फ्रॉम जून 2019 टू नवंबर 2019। 1000+ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो आपको जरूर 6 मंथ के करंट अफेयर जरूर करने ही करने। सो आप इसे परचेज कर सकते हो एक छोटा सा अमाउंट पे करके, जस्ट 69 रुपीज़ पे करके, जिस तरीके का मैं आपको करंट अफेयर का कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, पूरे 100,000 क्वेश्चंस हैं इसमें, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, SSC की कर रहे हो, वट एवर जो भी एग्जाम, या किसी भी स्टेट लेवल का कर रहे हो, श्योरली आपकी हेल्प करेंगे एंड आपकी करंट अफेयर सेक्शन को बूस्ट करने में हेल्प जरूर करेंगे इन जस्ट 69 रुपीज़। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके इसे जरूर परचेज कीजिए एंड इसका बेनिफिट जरूर उठाइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑन विच डे वर्ल्ड निमोनिया डे इज ऑब्जर्व। तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है, निमोनिया डे, जो हमारी लंग्स को इफेक्ट करती है, निमोनिया की वजह से हमारे लंग्स खराब हो जाते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आई होप यू कैन, आपने गेस कर लिया है, जो थीम रखा गया था हेल्दी लंग्स फॉर ऑल, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 12th of November, यानी कि 12 नवंबर। ओके, रिसेंटली गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू डिक्लेयर डल लेक एज इको सेंसिटिव जोन। ये आपको बताने की कौन सी इंडियन स्टेट में है ये डल लेक। ओके, जम्मू एंड कश्मीर नॉट इंडियन स्टेट, हालांकि अभी
यूटी बन चुका है तो अभी आदत है ना काफ़ी टाइम से स्टेट स्टेट, तो इसलिए मैं स्टेट ही बोल रहा हूँ. दिस इज यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर. ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज टेकन चार्ज एज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया चेयरमैन. तो चेयरमैन कौन बने जी, ये आपको बताना है. करेक्ट आंसर इज अरविंद सिंह. ओके, कौन सा कंट्री 2023 का मैन हॉकी वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला है. एग्जैक्टली, करेक्ट आंसर इज इसका ऑप्शन नंबर डी, इंडिया. कंट्री मैनेजर एट गूगल इंडिया अपॉइंट किए गए, हालांकि आंसर ऑलरेडी मार्क्ड है, नो प्रॉब्लम. करेक्ट आंसर है इसका जी संजय गुप्ता. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर रिपब्लिक ऑफ माली. तो किसे अपॉइंट किया गया, यू हैव टू गेस द आंसर. इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको गेस करना है. एग्जैक्टली, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अंजनी कुमार. ओके, देन हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है. टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद. आई होप आपने गैस कर लिया. एग्जैक्टली, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 11 नवंबर. ओके, नेक्स्ट हमारा, ऑन विच डे वर्ल्ड साइंस फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व. तो कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है. ऑप्शन नंबर बी, 10th of November. ओके, हु हैज बीन कन्फर्ड विद द एशियन बिजनेस लीडरशिप फॉरम अवार्ड. किसे सम्मानित किया गया, ये आपको बताना है. इनकी पिक्चर आपके सामने लगी है. इनका नाम है जी कुमार मंगलालम बिरला. ओके, मॉरिशियस के न्यू प्रधानमंत्री, इन्होंने शपथ ली है, ये आपको बताना है. इनका क्या नाम है, प्रवीद जगुनाथ. ओके, रिसेट रिगेनिंग इकोनॉमी लेगेसी इस बुक को लॉन्च किया गया था हाल ही में. यू हैव टू आंसर कि इस बुक के ऑथर कौन है, सुब्रमण्यम स्वामी. ओके, स्पेशल आइकन अवार्ड एट IFFIO भी हाल ही में कंक्लूड हो चुका है. गोवा में हुआ 50वीं एनिवर्सरी यानी कि गोल्डन जुबली हमने सेलिब्रेट की. रशिया इज द फोकस कंट्री फॉर दिस ईयर. ये आपको बताने की स्पेशल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया जाए गया, किसे सम्मानित किया गया. ठीक है, ये आपको बताना है. करेक्ट आंसर इज रजनीकांत. ओके, याद रखिएगा, गोवा में हुए, अभी हाल ही में खत्म हो गए 28 को. देन रग्बी वर्ल्ड कप 2019 का किसने जीत लिया, ये आपको बताना है. जापान में हुआ जी, साउथ अफ्रीका. ओके, इजू थैचन पुरस्कार 2019 किससे सिलेक्ट किया गया. 27वां केरल गवर्नमेंट देती है ये फॉर द कंट्रीब्यूशन मलयालम लैंग्वेज एंड लिटरेचर. यू हैव टू आंसर. करेक्ट आंसर है इसका जी राइटर आनंद. ओके, पेरिस मास्टर 2019 का खिताब किसने जीता, ये आपको बताना है. एग्जैक्टली, करेक्ट आंसर है इसका जी नोवाक जोकोविक. ओके, फ्रॉम सर्बिया. इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज ऑब्जर्व. तो कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता, हालांकि ये अक्टूबर का है. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आपको याद ऐसे भी होना ही चाहिए. इस दिन हमारे बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन जी का भी बर्थडे होता है, यानी कि 11 अक्टूबर. ओके, उसके बाद आपको बताना है, फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ 10 लीग 2019, फर्स्ट टाइम हुआ ये बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, ये आपको बताना है. एग्जैक्टली, उज्बेकिस्तान. चेयरमैन ऑफ लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपॉइंट किए गए 1989 बैच IPS ऑफिसर ऑफ उत्तर प्रदेश कैडेट. आपको बताना है इनका क्या नाम है. एग्जैक्टली, इनका नाम है जी आदित्य मिश्रा. ओके, न्यू MD एंड CEO ऑफ इंदुसंद बैंक किसे अपॉइंट किया गया, ये आपको बताना है. एग्जैक्टली, समंत कथपालिया. ओके, 2020 में यानी कि 2020 में जो हमारे रिपब्लिक डे वाले दिन जो चीफ गेस्ट होने वाले हैं, ये आपको बताना है इनका क्या नाम है. इनका नाम है जी जैर बोल्सनैरो. कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, ये आपको बताना है. ये हैं जी ब्राज़ील के. ओके, ब्राज़ील के बारे में, कैपिटल है ब्राज़ीलिया, करेंसी है ब्राज़ीलियन रियल. ओके, तो ये बेसिक डिटेल्स आपको याद रखने. मोदी जी ने इनको इन्विटेशन दिया, इन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया. ओके, याद रखना. 2019 के कौन थे, क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, चीफ गेस्ट कौन थे हमारे. चलो मैं ही बता देता हूँ, साउथ अफ्रीका की साइरिल रामाफोसा. ओके, इंडियन स्कॉलर रवि प्रकाश जिन्हें ब्रिक्स यंग इनोवेटर प्राइज 2019 से सम्मानित किया गया था. अब आपको इसमें याद रखना है रवि प्रकाश का, ठीक है. यंग इनोवेटर प्राइज से सम्मानित किया गया था इन्हें ब्रिक्स यंग इनोवेटर प्राइज समिट 2019 में. ओके, तो इनका नाम आप पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं. इन्होंने एक एफोर्डेबल इंडिजीनियस मिल्क चिलिंग यूनिट बनाया फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल यूनिट डेयरी फार्मर्स के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा लाइक लो कॉस्ट में भी मिलेगा इन्हें, ठीक है.
तो इसकी वजह से इनको सम्मानित किया गया था यंग इनोवेटर प्राइज 2019, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, रवि प्रकाश। देन उसके बाद इंडिया के पास अब 28 यूनियन टेरिटरी एंड नो 28 स्टेट्स एंड नो यूनियन टेरिटरी। अब हालांकि सेंटर ने अब हालांकि 8 यूनियन टेरिटरी होने वाली हैं। अब क्यों होने वाली हैं ये मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा। अभी 9 हो गई, पहले 7 थी, अब फिर से 8 हो जाएंगी, ठीक है। तो 28 स्टेट्स हो गई हैं जी, हमारा जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी बना था न्यू, एंड लद्दाख न्यू यूटी बना था, स्टेट का दर्जा हट के एक यूटी को तब्दील कर दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को। ओके, लद्दाख यूटी बना था एंड जम्मू एंड कश्मीर विद इफेक्ट फ्रॉम 31st अक्टूबर। ये मैप हमारा जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है, ये ब्लू कलर का लद्दाख एंड येलो पोर्शन है जी हमारा जम्मू एंड कश्मीर। नवाजुद्दीन सिद्दीकी विंस गोल्डन ड्रैगन अवार्ड एट 2019 CIFF। ओके, इन्हें सम्मानित किया गया। कार्डिफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हेल्ड इन वेल्स यूनाइटेड किंगडम। तो अब ये आपको याद रखना है कि गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन यूनाइटेड किंगडम। ओके, दस के बाद निर्मला पुजारा, ठीक है, पुर्जा क्लाइम्स वर्ल्ड 14th हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड ब्रेकिंग 189 डेज, 189 यानी कि 189 डेज में इन्होंने वर्ल्ड की 14th पीक को क्लाइम किया। ओके, इनका नाम आपको याद रखना है, कौन सी कंट्री से हैं जी ये जी, नेपाल से बेसिकली मेल हैं ये, ठीक है, तो निर्मल पुर्जा इनका नाम आपको याद रखना है। नीरज शर्मा विंस अर्ली कैरियर रिसर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019, तो इन्हें सम्मानित किया गया, ठीक है। तो अब इनको क्यों किया गया, ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ेंगे पूरा, इंडियन ओरिजिन रिसर्चर नीरज शर्मा हैज़ बीन गिवन द अर्ली कैरियर रिसर्चर ऑफ द ईयर बाय द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट फॉर डेवलपिंग नेक्स्ट जनरेशन बैटरी सिस्टम सच एज सोडियम आयन बैटरी विच विल लीव ए मिनिमल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ठीक है। ही इज़ प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स साउथ स्कूल ऑफ केमिस्ट्री। तो नाम इनका जी नीरज शर्मा, रिसर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड, अर्ली करियर रिसर्चर ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड, ओके, बाय ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। माधुरी विजय डेब्यू नॉवल द फार फील्ड विंस 2019 JCB प्राइज। आपको ये बताना है कि JCB प्राइज 2019 का किसे दिया गया, एंड ये तो मैं बता चुका हूँ, माधुरी विजय की जो नॉवल है फार फील्ड्स विन, ये बताना है कि कौन से फील्ड से रिलेट करता है ये प्राइज, ये है जी लिटरेचर का। ओके, 2018 का दिया गया था जैस्मीन डेज के लिए बेंजामिन को। ओके, तो वो भी आपको याद रखना, दो ही दिए गए, आपको फिलहाल दो ही याद रखने, ठीक है, बेंजामिन नाम याद रखना है फॉर जैस्मीन डेज एंड माधुरी विजय की जो नॉवल है फार फील्ड्स, ये भी याद रखना है। देन उसके बाद गोना टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड नेक्स्ट ईयर एट 86%। अब आने वाले टाइम पे सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगा गोना का, क्योंकि वहाँ पे एक ऑयल फील्ड का डिस्कवरी किया गया, डिस्कवर हुआ, देन वो ऑयल को इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, देन उसकी वजह से उनकी कंट्री, उस कंट्री का इकोनॉमी बढ़ेगा। ओके, इस गोना GDP सेट गेट 14 टाइम्स एज फास्ट एज चाइना GDP इन 2020। आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना बेनिफिट होगा इस ऑयल फील्ड की डिस्कवरी से उस कंट्री को। ओके, अब इस कंट्री के नाम के बारे में, इस कंट्री के डिटेल्स के बारे में ज़रूर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इतना न्यूज़ में है जी। प्रेसिडेंट के बाद डेविड ए ग्रेंगर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ गोना मोसिस नगमेटो, एंड कैपिटल है जी जॉर्ज टाउन, करेंसी है गोना की गोनीज डॉलर, तो ये आपको याद रखना है। देन उसके बाद कोलकाता फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल टू भी ये स्टार्ट हो चुके, अब ख़त्म भी हो चुके हैं, हाल ही ख़त्म है, ठीक है, नवंबर में होता। अब इसमें याद क्या रखने वाला है कि जी 25th थे, ओके, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, इसमें जर्मनी जो थी हमारी फोकस कंट्री थी। ओके, IFFI में तो जो हमारा पार्टनर कंट्री था रशिया, इसमें जो हमारी फोकस कंट्री थी वो थी जर्मनी। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया था 13 और 14 नवंबर को फॉर द ब्रिक्स समिट 2019। ओके, 11वां ब्रिक्स समिट था जो ब्राज़ील में हुआ, तो ये आपको याद रखना है। एंड जो थीम रखा गया था फॉर दिस ईयर, इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। देन इंडिया टू सेट होस्ट 2019 कबड्डी वर्ल्ड कबड्डी, ठीक है, जो कबड्डी का होने वाला है वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप होने वाली है, ये पंजाब में होगी, तो ये आपको याद रखना है 2019 की। 9 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं, इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका, कीनिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान एंड कैनेडा। ओके, अबाउट द स्टेट, अरविंदर सिंह CM, गवर्नर VP बंडोर। इंडिया US ट्राई सर्विसेज एक्साइज टाइगर ट्रंप बिगेंस, ठीक है, तो ये एक्साइज बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, इसका नाम याद रखना है आपको, टाइगर ट्रंप जो अभी हाल ही में शुरू हुई थी, ठीक है, ऑफ विशाखापट्टनम एंड कलिंदा कोस्ट में, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है।
देन फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर टी एन शेषनन पास्ड अवे, तो इनका निधन हो गया था, ठीक है। टी एन शेषनन, अब से पूछा जा सकता है कि कौन से फील्ड से रिलेट करते हैं, तो ये आप यहाँ पे डिफेंस सेक्रेटरी भी रहे थे एंड कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहे थे, टी एस शेषनन, इनका निधन हो गया। देन एस ए बोर्ड पे ही वॉज बीन स्वोन एज द न्यू सी जी आई, ही वॉज अ फॉर्मर सी जी ऑफ, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ विच इंडियन स्टेट, जो हमारे 47 चीफ जस्टिस बने, ये आपको बताने के कौन सी इंडियन स्टेट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं ये एस ए बोर्ड पे, 47 चीफ जस्टिस। करेक्ट आंसर होगा इसका जी ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस न्यू वैक्सीन टू कॉम्बैट टाइफाइड, इस वैक्सीन का नाम है टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। तंबाकू बोर्ड ऑफ इंडिया विंस गोल्डन लीफ अवार्ड से सम्मानित किया गया तंबाकू बोर्ड ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, नीदरलैंड में सम्मानित किया गया। अब इसमें क्या याद रखने वाला आपको, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ तंबाकू बोर्ड, इनका नाम है के सुनिश्ता, वॉज प्रेजेंटेड दिस अवार्ड, ओके याद रखिएगा। देन लेफ्टिनेंट कर्नल ज्योति शर्मा अपॉइंटेड एज आर्मी फर्स्ट फीमेल जे ए जी, ठीक है, यानी कि जज एडवोकेट जनरल अपॉइंट की गई किसी भी फॉरेन मिशन पे, फर्स्ट वूमेन हमारे इंडिया के, ठीक है। इनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल ज्योति शर्मा, ओके। IAAF ऑफिशियली चेंज इट्स नेम टू वर्ल्ड एथलीट्स, अपना नाम चेंज कर लिया है जी, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट फेडरेशन ने हैज़ ऑफिशियली चेंज इट्स नेम एंड इसका जो न्यू नेम है वर्ल्ड एथलीट्स, ओके यह आपको याद रखना है। दिस नेम हैज़ बीन चेंज इन ए बिड टू मेक द स्पोर्ट्स मोर एसेसेबल, ओके। इससे पहले भी नाम अलग था, 1912 में चेंज हुआ था, ठीक है। नाउ 2019 में फाइनली अगेन इट वॉज चेंज टू वर्ल्ड एथलीट्स एथलीटिक्स, ओके। इंडिया फर्स्ट इंडो कतारी जॉइंट नेवल एक्सरसाइज ज़ैर अल बहार बिगेंस इन दोहा कतार, तो ये फर्स्ट है जी, ठीक है। अब आपको फर्स्ट में दस से लिख भी याद रखना है, बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान एंड इंडिया एंड, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये हुई जी फर्स्ट इंडो कतारी जॉइंट नेवल एक्सरसाइज ज़ैर अल बहार बिगेंस इन दोहा कतार, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। नेवी डे इंडिया का कौन सी डेट को होता है जी, आने वाला है कुछ टाइम बाद, यानी कि 4th of December, ये दोहा में स्टार्ट हुई थी, ओके। वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, आप इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोगों को इसके रिलेटेड अवेयर किया जाए, ठीक है। सैनिटाइजेशन कंडीशन को कैसे इंप्रूव करना है, ठीक है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं एंड थीम था लिविंग नो वन बिहाइंड। डिफेंस मिनिस्टर इनॉग्रेट्स सिसेरी ब्रिज बिल्ड बाय बिहार बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ये सिसेरी ब्रिज बना, ठीक है, 200 मीटर का, तो इसे इनॉग्रेट किया था अरुणाचल प्रदेश में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, ओके। बीआरओ के डायरेक्टर जनरल कौन, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। डीएससीजी यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन हैज़ लॉन्च स्पेशल एनरोलमेंट ड्राइव, द बैनर आओ स्कूल चलें फॉर इंक्रीजिंग एनरोलमेंट इन गवर्नमेंट स्किल, ठीक है। एक इनिशिएटिव आओ स्कूल चलें जो डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा स्टार्ट किया गया ताकि एनरोलमेंट बच्चों का बढ़े इन गवर्नमेंट स्कूल इन जम्मू एंड कश्मीर, आओ स्कूल चलें, ठीक है। इस इनिशिएटिव का नाम है जम्मू एंड कश्मीर द्वारा। देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। 26 नवंबर को, 26 नवंबर 1949 को इसे अडॉप्ट किया गया था, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे रिटर्न लंबा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का, जिससे टाइम लगा था 2 साल 11 महीने एंड 17 दिन लगे थे, एंड 70वीं यानी कि 70th एनिवर्सरी अभी हाल ही में हमने सेलिब्रेट की है। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा इसका जी ऑप्शन नंबर बी, 25th नवंबर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी नेम्ड विच वर्ड एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2019। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्लाइमेट एमरजेंसी। डेविस कप 2019 किसने जीत लिया ये आपको बताना है, स्पेन के रफाल नाडल, ओके। देन उसके बाद एनसीसी हैज सेलिब्रेटेड विच नेशनल रेसिंग डे, कौन सा रेसिंग डे सेलिब्रेट किया एनसीसी ने अभी हाल ही में, डायरेक्टर जनरल एनसीसी के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। करेक्ट आंसर इज 71st, ओके। सीएम कैलाश योगी पासिस अवे, तो ये आपको बताना है कि कौन सी इंडियन स्टेट के फॉर्मर सीएम थे, मध्य प्रदेश, ओके। इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज से सम्मानित किसे किया गया ये आपको बताना है, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कैलाश सत्यार्थी जो एक इंडियन एक्टिविस्ट हैं अगेंस्ट चाइल्ड राइट्स, जो चाइल्ड राइट्स के लिए काम करते हैं, ठीक है। ग्रेटा थर्नबर्ग फ्रॉम स्वीडन। मिस्टर यूनिवर्स टाइटल 2019 का इन
90 kg कैटेगरी साउथ कोरिया में सम्मानित किया गया, इनका नाम है चित्रेश नतेसन। ओके, स्कॉटिश ओपन 2019 का टाइटल किसने जीता ये आपको बताना है, इनकी पिक्चर आपके सामने है, लक्ष्य सेन। ओके, शंघाई फेस्टिवल कौन से इंडियन स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, एक डियर के नाम पे ये फेस्टिवल का नाम रखा गया, ये स्टेट है जी मणिपुर। ओके, इंडिया MK-27 गन्स नेवी के लिए खरीदने वाला है, कौन सी कंट्री के साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ, ठीक है ये आपको बताना है, ये है जी USA। ओके, फर्स्ट एवर वुमेन पायलट फॉर नेवी बनी है, इनका क्या नाम है, आई होप जब तक मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ एंड आप गैस जरूर कर रहे हो एंड आप लोग बोर नहीं हो रहे, बिकॉज जो मंथ का करंट अफेयर होगा वो थोड़ा वीडियो लेंथी होगा तो आपको पेशेंस बनाए रखना है। करेक्ट आंसर इज शिवानगी। ओके, पीटाई पर्सन ऑफ द ईयर 2019 पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पिक्चर से आपने पहचान लिया हमारे विराट कोहली। ओके, इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2019 से सम्मानित किसे किया गया, डेविड एटनबोरो। ओके, अब ये कब दिया जाता, 19 नवंबर को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो कि क्यों दिया जाता है। एक तोला गोल्ड देगी जी दुल्हनों को अंडर अरुंधति स्कीम, तो कौन सा स्टेट देगा जी ये आपको बताना है, तो स्टेट इज आसाम। ओके, अमित शाह लॉन्च स्पेशल विंटर ग्रेड डीजल फॉर विच यूनियन टेरिटरी, हालांकि अब यूनियन टेरिटरी बोलेंगे लद्दाख के लिए, क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, फ्यूल डीजल पेट्रोल जम जाता है वहाँ ठंड में, क्योंकि -30 तक चले जाता है, तो ये स्पेशल ग्रेड डीजल लॉन्च किया गया फॉर लद्दाख बाय अमित शाह। इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया इन दुबई, पिक्चर से पहचान लिया आपने इनको, बजरंग पुनिया। अंडर 17 वर्ल्ड कप फुटबॉल टाइटल 2019 का किसने जीता ये आपको बताना है, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर इज ब्राजील। ओके, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, सुधीर मित्तल। इंडिया का रैंक क्या रहा इन ऑन IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2019, टॉप्ड बाय स्विट्जरलैंड, इंडिया का रैंक रहा है 59th नंबर पे। नेशनल मिल्क डे कौन से डेट को ऑब्जर्व किया जाता है ये आपको बताना है, टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वर्गीसी कुरियन, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, 26 नवंबर, जिस दिन हमारा संविधान दिवस होता है। ओके, कौन सा इंडियन स्टेट 5% रिजर्वेशन देगा टू स्पोर्ट्स पर्सन इन जॉब्स एथलीट्स को, मध्य प्रदेश। ओके, ये किरण रिजिजू जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। न्यू CM ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है अब शपथ ले लिया इन्होंने जी, उद्धव ठाकरे। ओके, डिप्टी CM इज येट टू बी सिलेक्टेड इलेक्टेड, अभी देखते हैं कि कौन बनते हैं, डिप्टी CM कौन चुने जाएंगे, बट CM बन चुके हैं, ठीक है उद्धव ठाकरे ने शपथ ले लिया। इंडियन एक पार्क है लाइक नेशनल पार्क था जिसे डिक्लेयर किया गया टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, तो ये आपको बताने कि कौन से इंडियन स्टेट में है, ये है जी छत्तीसगढ़ में। ओके, जिसे अभी हाल ही में एक नेशनल पार्क था उसको एक टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया, अबाउट द स्टेट बेसिक डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। स्टेट्स फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन टू बी सेटअप बाय UP गवर्नमेंट, तो कौन सा स्टेट खोलेगा जी वर्ल्ड का इंडिया का फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन, तो ये कहाँ पे खोलेगा, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट, तो ये भी आप याद रखेंगे कौन सी डिस्ट्रिक्ट में खोलेगा, ठीक है महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट। देवेंद्र फडणवीस अनाउंसेस, ये आपको पता है इन्होंने रिज़ाइन तो करना ही था जब धक्के से गवर्नमेंट बनाई थी अपनी, ठीक है विदाउट अप्रूविंग द मेजॉरिटी, अब इन्होंने अपनी रिज़ाइन किया था, ठीक है ये आपको बताना। इसरो लॉन्चेस कार्टोसैट 3, इसे लॉन्च किया गया, ठीक है तो ये आपको भी याद रखना है, लॉन्च किया गया, इसके साथ साथ 13 नैनो US नैनो सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया गया था फ्रॉम श्री हरि कोटा। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, एंड इसके लिए जो लॉन्च व्हीकल यूज़ हुआ था XL PSL VXL, ठीक है ये रॉकेट, इसको इस रॉकेट ने इनको कैरी किया था। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो यहाँ पे पूरा। कैट्रोसैट 3 इज़ ए थर्ड जनरेशन एजाइल एडवांस सैटेलाइट हैविंग हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग कैपेबिलिटी, द सैटेलाइट विल बी प्लेस्ड इन ऑर्बिट ऑफ 509 किलोमीटर एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 97.5 डिग्री। ओके, एंड हेडक्वार्टर्स ऑफ इसरो ने लॉन्च किया, इसरो के हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में, इसके जो चेयरमैन है के शिवान। अशोक लेलैंड लिमिटेड ICICI बैंक के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था फॉर फाइनेंसिंग कमर्शियल व्हीकल्स। ओके, तो ये याद रखेंगे,
एंड इसमें पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अशोक लेलैंड की कौन है जी, हिंदुजा ग्रुप, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे याद रखना। हेडक्वार्टर्स इसके कौन है जी, कहाँ पे है जी, चेन्नई में, एंड फाउंडर कौन है जी, ठीक है, इस कंपनी के अशोक लेलैंड लिमिटेड के, रघुनंदन सरन, इनका नाम भी आपको याद रखना है। ओके, केरला कैडेट आईएएस ऑफिसर टू हेड यूनाइटेड नेशन टूरिज्म बॉडी, तो ये हेड करेंगे, इनका नाम क्या है जी, सुमन बिल्ला इज जॉइंट टू सेट यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ही विल टेक चार्ज एज अ डायरेक्टर टेक्निकल कोऑपरेशन एंड सिल्क रोड डेवलपमेंट, ये पॉइंट आपको याद जरूर रखना है। ओके, इसमें जो WNTO की जो मेंबर कंट्रीज हैं 158 कंट्रीज हैं, एंड इसके एस्टैब्लिशमेंट 1975 में हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशन डे आप सबको बताया मैंने, 26 नवंबर। आर्मी डेडिकेट्स गुडविल पार्क टू लेट नायब सूबेदार चुनी लाल, तो इनके नाम पे एक पार्क को डेडिकेट किया गया, कहाँ पे जी, डोडा में, इन लाइक इनका नेटिव विलेज था इन यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, बारा डोडा में इनका एक जहाँ पे ये रहते थे, एक पार्क को डेडिकेट किया गया, एंड एक जिम भी ओपन की गई फॉर द विलेजर्स, एक चिल्ड्रन पार्क भी इनॉग्रेट किया गया, लेट नायब सूबेदार चुनी लाल। देन माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्य नडेला टॉप फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 लिस्ट, तो इन्होंने टॉप किया, ठीक है, इंडियन बॉर्न सी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सत्य नडेला हैज ऑक्यूपाइड टॉप स्पॉट इन फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019, तो इतना आप याद रखेंगे। ओके, रशिया इज अ फोकस कंट्री एट IFFI 2019, ये मैं ऑलरेडी आपको बताया, ठीक है, जो खत्म हो चुके। देन उसके बाद J&K अचीव हाईस्ट रोड लेंथ अंडर PMSYJ, यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सबसे ज़्यादा रोड लेंथ जो अचीव किया 11,400 किलोमीटर किसने किया जी, यूनियन टेरेटरी जम्मू एंड कश्मीर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के गिरीश चंद्र मुर्मू। देन उसके बाद पार्लियामेंट पासेस जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल अमेंडमेंट बिल 2019, तो इस बिल को पास किया। नाउ दिस बिल हैज़ अ प्रोविजन टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ अ कांग्रेस पार्टी एज अ ट्रस्टी एंड क्लैरिफाइड दैट व्हेन देयर इज नो लीडर इन द अपोजिशन इन द लोकसभा द लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी विल बी द ट्रस्टी। ओके, तो ये आपको याद रखना है। एंड द बिल हैज़ ऑल्सो अलाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टर्मिनेट द टर्म ऑफ अ नॉमिनेटेड ट्रस्टी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। ओके, देन हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता बिकेम द फर्स्ट सिटी टू इंस्टॉल थर्ड एम्पायर RT-PCR मशीन। लाइक अब ये थर्ड एम्पायर क्या है कि किसी को डेंगू है, TB है, तो क्विकली आपको पता चल जाएगा कि इस प्रॉब्लम से वो पेशेंट सफ़र कर रहा है एंड उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट होगा। लाइक आपको लॉन्ग टाइम तक वेट नहीं करना पड़ेगा रिपोर्ट के लिए। ओके, दिस मशीन विल हैव टू बी सर्व एज अ थर्ड एम्पायर इन द सिचुएशन। ओके, ये आपको याद रखना है। एंड कोलकाता में हुआ, कोलकाता में जो CM हैं वेस्ट बंगाल की, ठीक है, तो ये हैं जी हमारी ममता बनर्जी एंड जगदीप धनखड़ वहाँ के गवर्नर हैं। बिपिन रावत टू बी द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, तो डिफेंस स्टाफ की फर्स्ट जो चीफ बनने वाले हैं CDS, जो फर्स्ट CDS होंगे जी हमारे बिपिन रावत। ओके, ये रिटायर होने वाले हैं दिसंबर मंथ में फ्रॉम द पोजिशन ऑफ आर्मी चीफ। देन दो साल का इनका टेन्योर रहेगा एज द CDS, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। जनरल बिपिन रावत 27 चीफ थे हमारे इंडियन आर्मी के, अभी फिलहाल हैं, नेक्स्ट मंथ ये रिटायर हो जाएंगे। ये पिक्चर उनकी। रॉयल एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑनर DRDO चीफ जी सतीश रेड्डी, ठीक है, जी सतीश रेड्डी को सम्मानित किया गया फेलोशिप सोसाइटी फॉर द ईयर 2019, ठीक है, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन वर्ल्ड क्लास मिसाइल टेक्नोलॉजीज। ओके, एक तरीके का नोबेल प्राइज़ दिया जाता है इन एरोस्पेस, जैसे नोबेल प्राइज़ होता है तो इसी इतनी वैल्यू होती है इसकी, ठीक है, तो ये सम्मानित किया गया लास्ट लाइक 100 ईयर में फर्स्ट ऐसा इंडियन है कि इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ओके, तो ये आपको याद रखना है। एंड DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म एस्टैब्लिशमेंट यूज़ हुई थी 1 जनवरी 1958, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली। मनीषा कुलक्षेत्रा विंस 28 बिहारी पुरस्कार, तो किसे सम्मानित किया गया बिहारी पुरस्कार फॉर इस नॉवल स्पनपश, मनीषा कुलक्षेत्रा। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। KK बिरला फाउंडेशन ये अवार्ड देता है राजस्थानी राइटर्स को। मध्य प्रदेश देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी गेट A+ ग्रेड फ्रॉम NAAC, ठीक है, यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल द्वारा जो A+ ग्रेड दिया गया कौन सी यूनिवर्सिटी को दिया गया, मध्य प्रदेश की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी, ये आपको याद रखना है। डायरेक्टर ऑफ NAAC कौन है, SC शर्मा, इनका नाम भी आपको जरूर याद रखना है। लोगो मोटो इंट्रोड्यूस फॉर लोकपाल, ठीक है, लोकपाल के लिए लोगो इंट्रोड्यूस किया गया, ये इस तरीके का लोगो है। एंड इसमें अब आपको याद क्या रखने वाला है, लोगो वॉज डिजाइंड बाय प्रशांत मिश्रा, ए रेजिडेंट ऑफ प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश,
ठीक है, तो ये इनका नाम आपको याद रखना है, लोगों को डिज़ाइन किसने किया, प्रशांत मिश्रा कौन सी स्टेट के हैं जी, ये जी प्रयागराज उत्तर प्रदेश के, ओके। देन उसके बाद एचआरडी मिनिस्ट्री लॉन्चेस कर्तव्य पोर्टल, कर्तव्य पोर्टल को लॉन्च किया गया एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा। बेसिकली इसमें क्या कि ऑब्जेक्टिव क्या कि स्टूडेंट्स को लाइक मंथली इसमें ऐसे कम्पिटिशन्स होंगे, ठीक है, एंड अदर एक्टिविटीज लाइक क्यूजेस, पोस्टर मेकिंग वगैरह, ये सारी ऑर्गेनाइज की जाएंगी। ये जो पोर्टल है kartavya.ugc.ac.in जिसे लॉन्च किया गया, ओके, एचआरडी मिनिस्ट्री। एचआरडी मिनिस्टर कौन है जी, रमेश पोखरियाल निशांक। इंडिया एंड जापान होल्ड माइन काउंटर मेजर एक्साइज मिनेक्स 2019, तो इंडिया एंड जापान के बिटवीन होती है ये एक्साइज बिटवीन नेवीज, ठीक है, तो बस ये याद रखना है। एंड ये अभी शुरू हुई जी, कहाँ पे, कोची केरला में, ये याद रखना है। एक्साइज का नाम याद रखना है, अबाउट द कंट्री जापान, टोक्यो कैपिटल, करेंसी जापानीज येन, प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे। प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका कौन बने थे ये आपको बताना है, ठीक है, गोताबाया राजापक्सा, ठीक है, जो पहले जो थे प्रेसिडेंट, ठीक है, तो उन्हीं के ये छोटे भाई हैं, ठीक है। देखिए अब कैसे फैमिली चल रही है पॉलिटिक्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। एंड हमारे इंडिया में भी आए हुए हैं, ठीक है, फर्स्ट एवर इनका विजिट है एज जैसे ये प्रेजिडेंट बने। उसके बाद देन उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू मर्ज विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरेटरी, मैंने आपको बताया ना कि अब 9 यूनियन टेरेटरी अब 8 हो जाएंगी, ठीक है, 2 यूनियन टेरेटरीज को मर्ज करेगा जी, या जी दमन एंड दीव एंड नागर हवेली को ये यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इसको मर्ज किया जाएगा। वर्ल्ड रिनोड रॉक क्लाइंबर ब्रैड गोब्राइट पासिस अवे इन मैक्सिको फॉल, ठीक है, क्लाइंबर थे इनका नाम है ब्रैड गोब्राइट, ठीक है, ये इनकी पिक्चर भी है, काफ़ी रिनोड थे यूएस नेशनल। ब्रैड गोब्राइट इनका एक्चुअली क्या हुआ कि एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो गई, तो इनका नाम आपको याद रखना है, ओके, तो इनका नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है जी ब्रैड गोब्राइट एंड ही वॉज नोन फॉर हिज ग्रेविटी डिफाइंग सोलो असेंट्स एंड विद नो रोप्स, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई गिरने से। देन यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट डिक्लेयर्स क्लाइमेट एमरजेंसी, ठीक है, क्लाइमेट एमरजेंसी डिक्लेयर की यूरोपियन यूनियन ने, ठीक है, द पार्लियामेंट वोटेड 429/225 विद 29 एब्सेंटेशंस टू कॉल द इंक्रीजिंग एनवायरमेंटल चैलेंज लिंक्ड टू क्लाइमेट चेंज एज एन एमरजेंसी, ओके। एंड यूरोपियन यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं जी, इसके हैं ब्रुसेल्स बेल्जियम में, एंड यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट डेविड मारिया सिसोलिया, ओके। फर्स्ट कंट्री कौन बना था जिसने क्लाइमेट एमरजेंसी डिक्लेयर की थी, कमेंट करके बताइए। इंडिया टू होस्ट 2023 मैन हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है, तो कहाँ पे होगा जी, भुवनेश्वर में होगा, एंड बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम इन, ये जो लाइक जो वेन्यू सेलेक्ट किए गए, ठीक है, तो ये इंडिया ही होस्ट करेगा एंड यहाँ पे होंगे, ठीक है, ये भुवनेश्वर एंड बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम इन रोकिला टू बी द वेन्यूज फॉर दिस टूर्नामेंट, ओके। देन नेक्स्ट करते हैं, पार्टिकल्स विन गोल्डन पीकॉक अवार्ड एट IFFI 2019, ओके, तो इसमें आपको याद रखना कि पार्टिकल्स डायरेक्टेड बाय ब्लेस हैरिसन एंड प्रोड्यूस्ड बाय एस्टेल फ्योलन हैज वॉन द कोटेड गोल्डन पीकॉक अवार्ड एट 50th एनिवर्सरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये जो गोवा में हुई अभी खत्म हुई, ओके, एंड इसमें जो अभी गोवा में हुई अभी हाल ही में खत्म हुई द गोल्डन, इसमें जो द गोल्डन पीकॉक अवार्ड कैरीज अ कैश प्राइज ऑफ 40 लाख, इसमें 40 लाख रुपए का कैश प्राइज भी दिया जाता है। एंड पार्टिकल इज एन एम्बिशियस येट मॉडेस्ट फिल्म अबाउट द मिस्ट्रीज ऑफ बींग ए टीनेजर, ओके। इंडियन आर्मी सक्सेसफुली टेस्ट फायर 2 स्पाइक अलार्म मिसाइल इन मध्य प्रदेश, तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इंडिया बिकेम द 33rd टू हैव द स्पाइक मिसाइल एज ए पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, ओके, तो ये आपको याद रखना है। एंड कहाँ पे हुआ ये, ये हुआ जी मध्य प्रदेश में, ओके, द मोटो ऑफ इंडियन आर्मी सर्विस बिफोर सेल्फ, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में, एंड कमांडर इन चीफ हैं जी प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद। देन सत्यपाल मलिक आपको बताने की कौन से इंडियन स्टेट के गवर्नर है प्रेजेंटली, जम्मू एंड कश्मीर में के तो थे पहले जब तक स्टेट होता था, बट जैसे ही हमारा यूटी बना तो गवर्नर चेंज, सत्यपाल मलिक भी चेंज, ये बन गए हैं जब गोवा के न्यू गवर्नर। देन स्लीनेक्स कौन कौन सी कंट्रीज के बिटवीन होती है जी, ये नेवल एक्साइज ये होती है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ओके। एंड जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड इट्स फ्री फ्रॉम एवियन इन्फ्लुएंजा F H5N1,
जो बर्ड फ्लू हम जिसको बोलते हैं लैंग्वेज में, अपनी बेसिक लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि कौन सी कंट्री ने खुद को फ्री डिक्लेयर किया था हाल ही में। तो ये था जी हमारा अपना भारत, ओके, इंडिया। सो विद दिस देखो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर हो गए। अब होगा जी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपका टेस्ट पोर्शन, जिसके लिए आप सब अभी से वेट कर रहे थे। अब इसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, विदाउट ऑप्शंस आपको आंसर करने, आपको खुद को टेस्ट करने का मौका मिलेगा कितने क्वेश्चंस आप आंसर कर सकते हो विदाउट एनी ऑप्शंस, ओके। सो पहला क्वेश्चन आपने बताना मुझे पीटा पर्सन ऑफ द ईयर 2019, तो किसे चूज़ किया गया, किसे सम्मानित किया गया, ये आपको बताना है। आई होप आपने अभी तक गेस कर लिया इसका, सभी लोग आंसर कर सकते हैं, विराट कोहली, ओके। सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए, शिंगाई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट, तो कौन से इंडियन स्टेट में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको बताना है। शिंगाई एक बेसिकली एक डियर का नाम है, ठीक है, आपने आई होप गेस कर लिया, एग्जैक्टली मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, डेविस कप टाइटल 2019 किसने जीता, कई बार इस तरीके से पूछते हैं कि ये कौन सी फील्ड से रिलेट करता है ये कप, तो टेनिस, ये बताना है किसने जीता, स्पेन के जी, रफाल, नाडल। कॉन्स्टिट्यूशन डे, ये इजी क्वेश्चन सब बताएंगे, कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया गया, 70th एनिवर्सरी, ओके, तो हमने अभी सेलिब्रेट की है 26 नवंबर। सिसरी ब्रिज इनॉग्रेटेड, अभी डिफेंस मिनिस्टर द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया, 200 मीटर का सिसरी ब्रिज जो BRO द्वारा बनाया गया, कौन सी इंडियन स्टेट में है, एग्जैक्टली अरुणाचल प्रदेश, आई होप आप गेस कर रहे हो, ओके। 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, फॉर्मर मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस भी रह चुके थे ये ऐसे बोर्ड पे। 11वां ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुआ, ये आपको बताना है, एग्जैक्टली ब्राज़ील में। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख दोनों के आपने बताने, खुद अपने माइंड में आप कीजिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के कौन है, जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू एंड लद्दाख के राधा कृष्ण माथुर। दस्तलिक एक्साइज, फर्स्ट आवर एक्साइज हुई बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, उज्बेकिस्तान। रग्बी वर्ल्ड कप 2019 का किसने जीता, जो जापान में हुआ, साउथ अफ्रीका ने, आई होप आपने गैस कर रहे हो, आप गैस कर रहे हो जरूर। डल लेक कौन सी इंडियन स्टेट में जिसे इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया, ये है जी हमारा यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में, ओके। सो विद दिस आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, आप सबने वीडियो एंजॉय जरूर किया, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा लाइक करना, आपने इसको शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, क्योंकि इंग्लिश में आपको काफ़ी रेयर चैनल मिलते हैं जो इंग्लिश में करंट अफेयर शेयर करते हैं, सो दिस इज़ अवर इनिशिएटिव, आई होप आप लोग इसे सपोर्ट जरूर करेंगे एंड इसे जितना हो सके शेयर भी करें, ओके। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपको इन रिटर्न मेरे लिए, इतना करना है, इसको लाइक करना है, इसको शेयर करना है एंड अपने फ्रेंड्स से चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि यही एक मेरे लिए मोटिवेशन है जो मुझे इंस्पायर करती है अच्छे से अच्छा काम करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड नॉट हैव ए ग्रेट डे।